गुड मॉर्निंग सी पचनारायण चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज सुबह सुबह हम एक बहुत ही मज़ेदार किड स्पेशल चॉकलेट सॉस बनाने जा रही हूँ, जो बहुत ही इजी एंड सिंपल रेसिपी। इसके लिए हमको ज़रूरत है अमूल बटर, सॉल्टेड बटर लेने से भी चलेगा, और वाटर, ये हो गया कॉर्नफ्लावर, मिल्क पाउडर, शुगर पाउडर। सो इतना इंग्रेडिएंट्स से हम बहुत अच्छे से चॉकलेट सॉस बना के आप लोगों को दिखाएंगे, जो किसी भी काम में आप ला सकते हैं। डार्क कोको पाउडर एंड नॉर्मल कोको पाउडर, उसके साथ चाहिए हमको अमूल माने क्रीम मिल्क। पंखा का नीचे बैठ के इंडक्शन में हम इसको बनाएंगे। पहले पानी को गर्म कर लेते हैं, क्योंकि अमूल पाउडर को उसमें डाल के उसको अच्छा से लिक्विड बनाना है। अभी मिल्क पाउडर को हम मेल्ट कर रही हूँ। अभी देखिए साइड में रखा हुआ है मेरा कॉर्न स्टर्च, थोड़ा सा कॉर्न स्टर्च ऐड करेंगे तो क्या होगा, चॉकलेट सॉस जो होगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। ऐसे ही नॉर्मल वाटर ऐड करके उसको लिक्विड फॉर्म में ला रही हूँ। तो दोनों लिक्विड फॉर्म बन गया है। अभी डायरेक्ट हम अपना पैन में इंडक्शन में गरम करके, मिल्क गरम करके ये चीज़ बनाएंगे। उसके पहले हम क्या ऐड करेंगे, बटर। बटर अगर मिल्क में डालेंगे तो उसका जो हम अगर बहुत दिन रहे तो रखे, उसको रखना है ना, जल्दी नहीं खाना है तो उसको रखना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और थोड़ा सा ज़्यादा ही बॉयल करेंगे तो मिल्क एंड बटर को ऐड कर देते हैं। हम 500 ग्राम मिल्क लिया है, क्रीम मिल्क। उसके साथ अभी डालेंगे बटर एंड शुगर। इसके साथ ऐड कर रही हूँ शुगर पाउडर। हाँ, उसको नॉर्मल फॉर्म में ले जाएगा, क्योंकि मिल्क गर्म होना स्टार्ट हो गया, बॉयल होना स्टार्ट हो गया। कंटिन्यूस स्टार्ट करते रहेंगे, एक के बाद एक इंग्रेडिएंट मिक्स करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। अभी इसमें जो अमूल मिल्क पाउडर मिल्क लिक्विड बनाए थे उसको हम ऐड करेंगे। मिल्क बॉयल हो रहा है, ऑलरेडी मेरा तीन चीज़ ऐड कर दिया है। अभी ऐड करेंगे चॉकलेट पाउडर, दोनों चॉकलेट पाउडर जो है अभी वो दोनों को ऐड कर देते हैं और अच्छा से मिक्स करते हैं। सकते हैं हम चॉकलेट डार्क चॉकलेट पाउडर डाले हैं और थ्री इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। फिर अभी कॉर्नस्टार्च एंड नॉर्मल कोको पाउडर बाकी है, फिर भी देखिए ठीक होने जा रहा है, कलर भी बहुत आ रहा है। तो जैसे ही थोड़ा सा डेंस होने जा रहा है तो हम क्या करेंगे, कोको पाउडर को ऐड करेंगे। बताना भूल गई हूँ, हम डार्क चॉकलेट पाउडर, डार्क कोको पाउडर 3 टेबलस्पून लिए थे और नॉर्मल कोको पाउडर 2 टेबलस्पून, माने 5 टेबलस्पून कोको पाउडर हम ऐड किया। कॉर्नस्टार्च ऐड कर देते हैं, उसके साथ थोड़ा सा बटर भी ऐड कर देते हैं।
ये मेरा चॉकलेट सॉस बन गया है, आप लोग भी बनाइएगा, आप लोग भी एंजॉय कीजिएगा। बहुत सारा फॉर्म हो सकता है इसको, चॉकलेट सॉस तो बन ही गया है, इसको और थोड़ा सा ड्राई करके कैंडी बना सकते हैं, और थोड़ा सा ड्राई करके चॉकलेट बार बना सकते हैं। तो एक ही लिक्विड में एक ही इंग्रेडिएंट में आप तीनों चीज़ बना सकते हैं। तो ये रेसिपी आप ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरे चैनल से फॉर्चुना राय को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए।